छठ घाट किनारे पशुओं के मांस एवं कूड़ा फेंके जाने पर आक्रोशित जनता उतरी सड़क पर। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल। रोहतास जिला प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली, जब भी जिलाधिकारी नगर परिषद सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों से अजीज होकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जनता सड़क पर आ गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद की है, जब गाँव के लोग सफाई को लेकर सड़क पर उतर गए और लोगों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि छठ का समय चल रहा है और ग्रामीण जनता घाटों की सफाई में लगे हुए हैं, वही नगर परिषद शहर के सारे कचड़े को उन्होंने शहर के किनारे डंप करती आ रही है। इसके अलावा मुरादाबाद में चल रहे दर्जनों अवैध बूचड़खाना का निकला अवशेष उन्हीं नहर के किनारे विगत कई महीनों से फेंका जा रहा है, जिसकी बदबू से आसपास के ग्रामीण परेशान हो चुके थे। छठ नज़दीक आते ही ग्रामीणों ने नहर के किनारे फेंके गए जानवरों के मांस एवं हड्डियों के अलावा नगर परिषद द्वारा डंप किए गए कचड़े को साफ कराने के लिए कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी रोहतास के अलावा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी हिमानी कुमार एवं सदर SDO को ग्रामीण ने लिखित आवेदन दिया था। परंतु छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, बावजूद इसके न तो जिलाधिकारी ने कोई संज्ञान लिया और न ही नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी हिमानी कुमारी ने। अंत में अजीज होकर ग्रामीण जनता पदाधिकारियों खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतर आई। हंगामा की खबर मिलते ही सदर SDO राजकुमार गुप्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सदर SDO ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन देकर उग्र लोगों को शांत करवाया। वहीं SDM ने नगर परिषद को तत्काल नहर किनारे फैली गंदगी व पशुओं के बिखरे मांस को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया। रोड जाम किए हैं लोग, क्या मानता है इन लोगों का? इन लोगों का मामला इस तरह का है कि ये लोग इस संबंधित क्षेत्र में कई जगह पे बूचड़खाने इस तरीके से चल रहे हैं, जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको हम लोग शीघ्र ही उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। हम लोग 10 दिन का इन लोगों को टाइम दिया है, 10 दिन में हम इसको ख़त्म करवाएंगे और इन लोगों की मांग जायज़ है, क्योंकि जिनने उस वहाँ पे इतनी गंदगी है जिसके वजह से काफ़ी लोगों का जीना दुभर हो गया है, तो उसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे शीघ्र। क्या बहुत दिनों से सर बूचड़खाना यहाँ चल रहा है, इस पर क्या? बूचड़खाना तो सर क्या कहा जाता, हम लोग उस पर जो अवैध रूप से चल रहे हैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हम लोगों ने खुरमाबाद में पूरा बूचड़खाने को ख़त्म कर दिया था। उसी तरह का ऐसे जहाँ जहाँ भी चलेंगे उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या मामला है, आप लोग सड़क पर उतरे हैं? मुरादाबाद छठ घाट पर, यहाँ पर सब छठ का पर्व है और नहर के दक्षिण साइड में यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा कचरा फेंका जा रहा है और इधर पशु का अवशेष नहर के उत्तर साइड में जो है इधर फेंका गया है, इसलिए यहाँ छठ करना मुश्किल हो गया। बहुत बदबू दे रहा है, गंध दे रहा है, यहाँ पर देख लिया जाए और यहाँ मंदिर भी है, उधर भी कचरा है, इस सबको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन यहाँ का कचरा साफ करा दे, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि शिकायत किसी विभागीय स्तर से दी है? यहाँ जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया जा चुका है और अनुमंडल को भी दिया गया है, कई बार आवेदन दिया गया और जाकर प्रोफेसर मुखिया जी भी यहाँ के जाकर मिले भी हैं और यहाँ के बहुत से लोग भी जाकर मिले हैं। यहाँ पर खाना पूर्ति करके चला जा रहा है लोग, अब यहाँ बताइए उधर नगर परिषद का कचरा इधर यहाँ पर खड़ा होने लगे, घंटा के बाद बदबू दे, यहाँ पर भी आप नहीं खड़ा हो सकते हैं, हम लोग खड़ा है, इसको सफाई करा दिया जाए और इस यहाँ छठ पूजा हम लोग अच्छा तरीके से कर सकें। और माननीय मंत्री जी जय कुमार सिंह जी भी यहीं पर छठ करने वाले हैं, उनका भी परिवार यहाँ पर छठ के लिए बुकिंग किया हुआ है, तो इसको देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और यहाँ को सब जनता लगा हुआ है सफाई में भी, लेकिन प्रशासन ने यहाँ आकर सफाई करा। संजय, क्या है यहाँ पर क्या?